उदयपुर में सफेद जहर के कारोबार का खुलासा। 3000 करोड़ का माल लेकर गए कंटेनर। मुख्य आरोपी दूधानी चाचा भतीजे गिरफ्तार। उदयपुर के नशीले कारोबार का बॉलीवुड से कनेक्शन। हाई प्रोफाइल पार्टीज में सप्लाई होता था माल। दुबई से मिला था ट्रक बनाने का फार्मूला। अलवर में दरिंदगी की वारदात के टुकड़े मिलना जारी। महिला के कटे हाथ पैर के बाद मिला खाल उतरा थर्ड। पड़ताल का दौर जारी। टोंक में कातिल पति पत्नी पुलिस हिरासत में। 116 नंबर हाईवे पर मिली थी भगवान यादव की लाश। अवैध संबंधों के शक में हुई थी वारदात। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत। पत्नी बच्चों सहित रुका था भाई के घर। सुबह मिली लाश। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले जुर्म की उस काली दुनिया, जिसमें दाखिल होकर राजस्थान का एक शख्स पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता था। पहले वो एक फिल्म का प्रोड्यूसर बना, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई तो फिर वो गुनाह के उस रास्ते पर चल निकला जहां होते थे करोड़ों के वारे न्यारे, और वो रास्ता था नशे के कारोबार का। राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद इलाकों में डीआरआई की टीम ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सहायता से जब एक फैक्ट्री पर छापा मारा तो फिर वो सच सामने आया जो दुनिया में अपने आप में पहला सच माना जा रहा है। चलिए गुनाह के इस पूरे खेल की दास्तां आपको बताते हैं और आपको बताते हैं एक उस शख्स के बारे में जिसके ताल्लुकात माया नगरी से भी जुड़े। भारी मात्रा में मेंटिक्स टैबलेट मुंबई के एक मास्टरमाइंड ने उदयपुर के पास एक परिसर में छुपा रखी थी। इस पर डीआरआई टीम ने उदयपुर के कलडवास में मौजूद एमएस मरुधर पे की फैक्ट्री पर छापा मारा। खोज के दौरान एक पूरा कमरा मेंटिक्स की गोलियों से भरा मिला, जिसमें करीब 23,800 किलो मेंटिक्स की गोलियां थी, जिनकी संख्या 2 करोड़ होने का अनुमान है, जिन्हें फिर 3 कंटेनर्स में भरकर बीएसएफ की सुरक्षा में दिल्ली ले जाया गया। इन गोलियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत 3000 करोड़ रुपए या इससे भी अधिक हो सकती है। करोड़ों की इस नशीली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहला बताया जा रहा है। हालांकि इसके मास्टरमाइंड को पकड़ लिया गया है, लेकिन टीम ने इसका खुलासा नहीं किया है, क्योंकि टीम अब और भी ड्रग माफियाओं को पकड़ने के प्रयास में जुटी है। आपको बता दें कि नशे के इस कारोबार का मास्टरमाइंड सुभाष दूधानी और रवि दूधानी अभी डीआरआई की गिरफ्त में है, लेकिन अधिकारियों ने इनके नामों का खुलासा नहीं किया है। पता चला है कि सुभाष दूधानी का फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत नाम है। उसने विकल्प मूवी का निर्माण किया था, लेकिन उसके फ्लॉप होने के बाद वो ड्रग माफिया बन गया। दुबई के एक डॉक्टर की मदद से वो 10 करोड़ की मशीनें उदयपुर में लाया और यहाँ पर अपने भतीजे के साथ मिलकर नशे का काला कारोबार शुरू कर दिया, जो पिछले 10 सालों से चल रहा है। हाई प्रोफाइल पार्टीज और फिल्मी हस्तियों के आयोजनों में भी इस दवा का उपयोग शौक मौज के लिए किया जाता था, जिसके सप्लाई सुभाष दूधानी ही करता था। सामने आया है कि इस मामले में फैक्ट्री मालिक, मुख्य तस्कर
सुभाष, उसके भतीजे रवि दुधानी सहित 6 अन्य सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। सुभाष मूलतः उदयपुर के प्रतापनगर का रहने वाला है, लेकिन अभी वो दुबई में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक रवि ही उदयपुर का कारोबार देखता था और मुंबई सहित देश विदेशों में इसकी सप्लाई करता था। आपको बता दें कि DRI की कार्रवाई में BSF भी सहयोग कर रही है। कार्रवाई की शुरुआत CBI ने मुंबई से की थी। CBI ने फैक्ट्री मालिक और मुख्य तस्कर सुभाष दुधानी को मुंबई में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। इसके बाद शुक्रवार से ही DRI की टीम उदयपुर के करडवास, गुडली और राजसमंद के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री और गोदामों में छापेमारी में जुट गई। मंगलवार को टीमों ने करडवास स्थित गोदाम से 20 टन ड्रग्स बरामद किया था। जांच में सामने आया है कि ड्रग्स का निर्माण धोइंदा और गुडली की फैक्ट्रियों में करीब 3 साल पहले ही कर लिया गया था। इसके बाद मशीनों को नष्ट कर दिया गया, जबकि नशीली दवाओं को करडवास स्थित फैक्ट्री के प्लॉट में गोदाम बनाकर रखा हुआ था। अब केवल उनकी सप्लाई की जा रही थी। सुभाष दुधानी के बयानों के मुताबिक गुडली स्थित फैक्ट्री में मैंड्रेक्स बनाने का काम 2013 के बाद बंद कर दिया गया था। सुभाष के कहने पर रवि ने मैंड्रेक्स बनाने की अधिकांश मशीनें भी नष्ट कर दी थी। कुछ मशीनें गुडली की फैक्ट्री में मौजूद थी, जिन्हें सीज कर दिया गया। सामने आया है कि 2013 में ही भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बनाकर दुधानी इसकी सप्लाई करने की फिराक में था। दरअसल इस फैक्ट्री में रात में ही काम होता था, जबकि दिन भर वहां कोई चहलकदमी नहीं होती थी। रवि दुधानी बिहार और नॉर्थ ईस्ट से ही श्रमिकों को यहां लाता था और रात में काम कराने के बाद सुबह होने से पहले सबको खुद कार से छोड़ता था। करडवास स्थित गोदाम में मेंडेक्स टैबलेट्स की पैकिंग होती थी और एक टैबलेट की कीमत 50 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होती थी। पता चला है कि यह टैबलेट साइकोट्रॉफिक पाउडर मैथक्लोन से बनाई जाती थी। मैंड्रेक्स का भी दवा के रूप में तैयार की गई थी, लेकिन बाद में अपने साइड इफेक्ट्स के चलते ये दुनिया के कई देशों में बैन कर दी गई। इस ड्रग्स के लेने से डिप्रेशन, तेजी से वजन गिरने, नींद न आने, आक्रामकता, लड़खड़ाती जुबान और मांसपेशियों से नियंत्रण खोने जैसी बीमारी हो जाती थी। यानी यह ड्रग्स काफी खतरनाक मानी गई है। आगे हम आपको बताएंगे इस गुनाह के कुछ और काले सच। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि पिछले लंबे वक्त से उदयपुर इलाके में गुनाह का ये खेल चलता रहा, लेकिन ना तो इलाके की खाकी को और ना ही राजस्थान के खुफिया तंत्र को इसकी भनक लग पाई। दूर दराज इलाकों से आधी रात को मजदूर यहाँ जहर तैयार करते रहे, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिली, जो वाकई राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ड्रग्स माफिया सुभाष दुधानी और उसकी काली करतूत के बारे में। उदयपुर में प्रतापनगर का रहने वाला 63 वर्षीय सुभाष दुधानी कई सालों से मुंबई के वेस्ट अंधेरी में रहता था। वो अभी दुबई में रह रहा था, लेकिन उसकी इच्छा अमेरिका में जीवन जीने की थी। दुबई में उसकी मुलाकात लेविन के से हुई। उसने मैंड्रेक्स बनाने की सलाह दी और उसे सीरिया के रहने वाले एक डॉक्टर से मिलवाया गया। डॉक्टर ने सुभाष को मैंड्रेक्स बनाने का केमिकल फार्मूला दिया और 10 करोड़ रुपए में मशीनें लगाने के लिए फाइनेंसर भी उपलब्ध कराया। सुभाष ने भतीजे रवि को भी कारोबार में शामिल किया और नशे के कारोबार का बेताज बादशाह बनने की राह पर निकल पड़ा। सामने आया है कि सुभाष ने पिछले साल कोडली में सन ऑप्टिकल्स नाम से CD बनाने की इंडस्ट्री खोली, लेकिन सफलता नहीं मिली तो इसे बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पार्टी डक्स के नाम से प्रसिद्ध मैंड्रेक्स अमेरिका, यूरोप, भारत
और अफ्रीका में नाइट लाइफ में काफी पॉपुलर है। बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री की पार्टीज बिना मेंडेक्स के पूरी नहीं होती। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का बॉयफ्रेंड विक्की गोस्वामी कभी भारत में बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टीज के लिए मेंडेक्स सप्लाई किया करता था। मेंडेक्स टैबलेट के सप्लाई चेन को समझने और मैनेज करने के लिए विक्की कई साल पहले जाम्बिया चला गया, जहां ये नशे की गोलियां बनती थी। आरोपी फैक्ट्री मालिक सुभाष दुधानी 2011 में बनी फिल्म विकल्प का प्रोड्यूसर रहा है। इस कारण उसका बॉलीवुड में भी ड्रग सप्लाई का कनेक्शन भी माना जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद शहर पुलिस को इस बात की खबर नहीं लगी कि उसके शहर में सफेद जहर की आड़ में गुनाह का काला खेल खेला जा रहा है। और अब इस बात को राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने भी मान लिया है। कारण यह है कि ये जो सप्लाई है ये सीधी राजस्थान से संबंधित नहीं है। इसकी ड्रग की सप्लाई से लेकर के जो जाता है उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। उस डिपार्टमेंट के पास ही इसकी सारी जानकारी रहती है, हमारे पास नहीं। ये बात सही है कि उस एरिया में थी, हमको भी उस एरिया की जानकारी होना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रही है, इसको स्वीकारता हूँ। राजस्थान नहीं, मेरे उदयपुर में ही था, उदयपुर में ही था, तो मैंने तो मान लिया ना कि हमारी भी ड्यूटी पड़ती है। कोई बाहर का आदमी उस चीज़ को ढूंढ लाता है और हम लोग अनजान रहते हैं, तो हमारी कमी तो कहीं कहीं है। अब हालांकि सरकार चाहे जो कह ले, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारा मुखबिर तंत्र आखिर किस राह पर है। क्योंकि अगर लंबे समय से चल रहे इस खेल पर शुरू में ही लगाम लगा दी जाती तो ये सच लोगों के सामने पहले ही आ जाता। लेकिन ऐसा तब होता जब इलाके की पुलिस को इस बात की खबर होती, क्योंकि इस कार्रवाई में तो जांच कर रही टीम ने इलाके की पुलिस को भी बेरंग लौटा दिया, क्योंकि उनकी सहायता के लिए यहां बीएसएफ के जवान मौजूद थे। बहरहाल अभी सफेद जहर के काले सच का द एंड नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो फिल्म शुरू हुई है और माना जा रहा है कि जुर्म की इस काली फिल्म में अभी और भी किरदारों के चेहरे बेनकाब होंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में पहली बार हुए ड्रग्स के इतने बड़े खुलासे के बाद विकल्प फिल्म बनाने वाले सुभाष के पास अब सिवाय सच उगलने के कोई विकल्प बाकी नहीं। और ये भी साफ है कि जुर्म की इस फिल्म की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे गुनाह की इस फिल्म का सच सामने आता रहेगा, उसी तर्ज पर कई सफेदपोशों के चेहरों से भी नकाब उतरते रहेंगे। आगे हम आपको बताएंगे अलवर पुलिस की एक उस मुश्किल के बारे में जहां उसे रोज नई चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल चुनौतियों का उसके पास कोई जवाब नहीं है। आखिर क्या है वो चुनौतियां, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।